मैं आपको ये मन्नत का धागा अर्पण कर रहा हूँ और आप इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि इसी प्रकार से। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक धागे की शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ। यानी एक धागा आपके पास होना चाहिए और इस धागे का चमत्कार ऐसा है कि कहते हैं कि जो श्याम नाम का ये धागा अपने पास रखता है और किसी भी मनोकामना को सोचकर बाबा श्याम के दरबार में ये धागा जाकर बांध देता है तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम उसकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। परंतु श्याम भक्तों इस धागे को बांधने का तरीका भी आपको ज़रूर आना चाहिए। तो श्याम भक्तों आप जो ये धागा देख रहे हैं इसे बोलते हैं मौली। यानी कि इस तरह की मौली अगर आपके पास है तो इस मौली को ले जाकर आप बाबा श्याम के दरबार में बांध सकते हैं। परंतु उससे पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस भक्त को बाबा श्याम के ऊपर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण आस्था है, वही इस काम को करें। बाकी भक्तों के लिए तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि बाबा श्याम का नाम लेने से ही बाबा श्याम बिगड़े काम बना देते हैं। और इस बात में कोई दो बात भी नहीं है, यानी बाबा श्याम का नाम लेने से ही बाबा श्याम सारे बिगड़े काम बना देते हैं। परंतु एक आस्था और एक विश्वास के साथ हम अगर कोई धागा या मन्नत का नारियल बाबा श्याम को जब हम अर्पण करते हैं तो ये हमारा एक विश्वास होता है, एक मान्यता होती है कि हमने इस धागे को यहाँ पर बांधा है। हे बाबा श्याम, मेरी मन्नत, मेरी इच्छा अगर पूरी होगी तो मैं ज़रूर आके इस धागे को खोलूँगा या खोलूँगी और आपके समक्ष आकर माथा ज़रूर टेकूंगा या टेकूंगी। तो इस तरह से हम बाबा श्याम को दरबार में कहकर जाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष अरदास लगा कर जाते हैं और बाबा श्याम सब देखते हैं, बाबा श्याम सब सुनते हैं, बाबा श्याम हमारे भावों को देखते हैं, बाबा श्याम ये भी देखते हैं हम पूर्ण भाव के साथ बाबा के दरबार में आए थे। हम बाबा श्याम के लाही कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास दिया गया है वो सब बाबा श्याम ने ही तो दिया है। तो श्याम भक्तों जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं या बाबा श्याम की किसी भी दरबार में पहुंच जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एक धागा तो हमें भी बांधना जरूर चाहिए, तो श्याम भक्तों आपको करना क्या है, यह जिस प्रकार से आप बाबा श्याम के मंदिर में जाने से पहले क्या करते हैं, बाबा श्याम के लिए भोग प्रसाद इत्यादि आसपास की दुकान से खरीदते हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक कलावा ले लेना है। कलावा 5 रुपये 10 रुपये का एक कलावा आता है, पूरा बंडल आता है कलावा का, वो बंडल आपको ले लेना है। और उस बंडल को लेने के बाद जिस प्रकार से आप भोग प्रसाद इत्यादि वगैरह लिए हैं उसको बाबा श्याम को दिखाते हैं दूर से, या पुजारी जी महाराज के हाथ में थमा देते हैं। अपने नज़दीकी आसपास की मंदिर में अगर आप जाते हैं, खाटू धाम में तो ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, खाटू धाम में तो खुद से ही प्रसाद को दिखा देना पड़ता है। बाबा श्याम के नाम का अगर इत्र वगैरह आप लाते हैं तो वो भी खुद से ही दिखा देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब आप प्रसाद वगैरह दिखाएंगे तो बाबा श्याम को वो कलावा जो आप लेकर आए हैं उस कलावे को भी बाबा श्याम को दूर से ही दिखा देना है और वहीं खड़े होकर बाबा श्याम से अपने भोग को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और इस प्रकार से जब आप भगवान के समक्ष जाकर प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से कहते हैं कि हे बाबा श्याम, ये भोग मैं अपने घर से लेकर आया हूँ, भोग मैंने यहाँ से खरीदा है, आप इसे प्रेम भाव समझकर इस भोग को ज़रूर ग्रहण करो। और साथ में बाबा श्याम एक मन्नत का धागा लेकर आया हूँ और बड़ी उम्मीद का धागा है ये, इस धागे को ज़रूर स्वीकार करना। हे बाबा श्याम, आपकी इस भक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं हुई कि आपको मैं श्रीफल अर्पण कर सकूं, उसके बदले में ये धागा लेकर आया हूं, आप इसे स्वीकार करिए और हमारी जो भी इच्छा मन्नत है वो तो आप सब जानते ही जानते हैं। बाबा श्याम, मैं आपको ये मन्नत का धागा अर्पण कर रहा हूं और आप इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि इसी प्रकार से हमें खाटू धाम बुलाते रहिएगा ताकि मैं आपको ये मन्नत का धागा बार बार अर्पण कर सकूं और आपके और मेरे बीच का जो ये बंधन है सदा इस धागे से बंधी रहे और आप प्रसन्न होकर मेरा हाथ सदा पकड़े रहो। इस प्रकार से बाबा श्याम से आप बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद श्याम भक्त आपको क्या करना है, अगर आपके पास रोली है, रोली मतलब सिंदूर अगर है तो सिंदूर से आप एक स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक कहाँ बनाएंगे, जहाँ बाबा श्याम को भोग प्रसाद वगैरह दिखाते हैं, स्टील की जो लाइन वाली रेलिंग वगैरह है जहाँ भी आपको लगे तो सिंदूर से आप एक स्वस्तिक वहाँ पर रेलिंग के ऊपर बना देते हैं बाबा श्याम के दरबार में।
और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने स्वस्तिक बनाया के बाद क्या करना है आपको, ये जो मन्नत का धागा आपने ली है, जो आपके हाथ में मौली का जो बंडल है जो आपने ली है, उस बंडल को आपको क्या करना है, उसी स्वस्तिक के ऊपर वहीं पर बांध देना है बाबा श्याम को प्रणाम करके। और ये श्याम भक्तों, जरूरी नहीं है कि बाबा श्याम के जहाँ आपने दर्शन किए हैं, जहाँ आपने पूजा पाठ किए हैं, जहाँ भोग प्रसाद चढ़ाया है, वहीं पर उस चीज़ को बांधना है या वहीं पर आपको स्वस्तिक बनाना है, क्योंकि इतना समय खाटू धाम में तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप ये सब काम करेंगे तो गार्ड आपको हाथ पकड़ के आगे कर देगा, तो आप ये सब कर नहीं पाएंगे और इतना समय भी नहीं मिल पाएगा कि खाटू धाम में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आप जानते हैं कि कितने भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी कि श्याम भक्तों, अगर जब आप लाइन में बाबा श्याम के दर्शन कर लें, बाबा श्याम को प्रसाद वगैरह अर्पण कर दें, और उसके बाद जब आप लाइन में दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या होती है, लाइन थोड़ी सी खाली हो जाती है, तो उस जगह आपको 5-10 मिनट खड़ा होने का मौका मिल जाता है। तो उस समय वहाँ खड़े होकर आप स्वस्तिक वगैरह बनाकर और वहीं पर मन्नत का धागा को, बाबा श्याम का नाम लेकर इस धागे को बांध सकते हैं। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि पूरा धागा बांध देना है या कुछ बजा कर भी ले आना है। हालांकि मौली जो होती है 5 रुपये में बहुत सारी होती है, तो पूरा मौली को खोल कर उस मौली को वहां पर बांध सकते हैं बाबा श्याम का नाम लेकर। इस प्रकार से आपने उस मौली को वहां पर बांध दिया। अगर श्याम भक्तों, वहां पर भी अगर मौका नहीं मिलता बांधने का, तो जब आप श्याम कुंड में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो श्याम कुंड में जाकर भी आप उसको बांध सकते हैं, या जहां भी आपको मौका मिले, क्योंकि खाटू धाम तो काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे रेलिंग्स वगैरह है, तो जहां भी आपको मौका मिले वहां पर उस मन्नत के धागे को बांध दीजिए। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं, जो आपने धागा तो बांध दिया परंतु बाबा श्याम की जो दक्षिणा होती है, 11 रुपये की दक्षिणा जो होती है, वो कैसे चढ़ाएंगे? तो वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं, यानी दान पत्र के बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप चाहे तो 11 रुपये की दक्षिणा वहीं पर आप चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, मन्नत का जो धागा होता है बहुत ही शक्तिशाली धागा होता है ये, और ऐसा माना जाता है कि जो खाटू धाम में मन्नत का धागा बांध देता है और बाबा श्याम से अपनी अर्जी अरदास दिल की बात को कह देता है, तो ऐसा माना जाता है वो बाबा के दरबार में आकर बाबा के समक्ष कोई निशानी छोड़कर जा रहा है, बाबा श्याम के समक्ष अपनी कुछ बातें छोड़कर जा रहा है। श्याम भक्तों, मान लीजिए अगर बाबा श्याम ने आपकी वो अर्जी को स्वीकार कर लिया, जो अर्जी आपने लगाई थी, बाबा श्याम से अपनी बातें कही थी, वो बाबा श्याम ने आपकी अरदास को सुन ली, आपकी पुकार को सुन ली, तब आपको क्या करना है? फिर आपको ध्यान में रखना है ये बात कि आपने एक मन्नत का धागा बाबा के दरबार में बांधा था। तब जब आप घर में बाबा श्याम की हर रोज पूजा करते हैं, बाबा श्याम का गुणगान गाते हैं, बाबा श्याम के भजनों को गाते हैं, और जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी अर्जी अरदास पूरी हुई है, तो आप खाटू धाम आकर कोई भी धागा मन्नत का आके खोल सकते हैं, बाबा श्याम को धन्यवाद कह सकते हैं, बाबा श्याम की चरणों में अपनी शीश को नवाज सकते हैं, बाबा श्याम से आप कह सकते हैं कि हे बाबा श्याम, तेरी महिमा अपरंपार है। इस तरह से बाबा श्याम का धन्यवाद आपको करना चाहिए, बाबा श्याम के गुणगान गानी चाहिए, बाबा श्याम से हाथ जोड़कर आपको विनती करना चाहिए और बाबा श्याम से कहना चाहिए कि मैं सदा यूं ही भी तेरा दास बना रहूँगा, तेरे गुणगान गाता रहूँगा। इस तरह से बाबा श्याम को हर वक्त आपको मनाना चाहिए, बोलना चाहिए। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो बाबा श्याम को अर्जी वाला नारियल ऑलरेडी अर्पण कर चुके होंगे, या किसी न किसी तरह से अपनी अर्जी अरदास बाबा श्याम के समक्ष लगा चुके होंगे। ऐसे भक्त जो होंगे, उनके सवाल ये होंगे, क्या हम दोबारा से बाबा श्याम को मन्नत वाला धागा बांध सकते हैं? तो देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष आप कितनी बार भी अर्जी अरदास लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है बाबा श्याम को कौन सी आपकी बात पसंद आ जाए और आपकी अर्जी अरदास को बाबा श्याम पूर्ण कर दे। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से रक्षाबंधन आती है, एक बहन अपने भाई के हाथों पे कलाई बांधती है, उसी प्रकार से तो वो भाई सदा उसकी रक्षा करने का उसे वचन देता है। उसी प्रकार से जब आप एक आशा के साथ बाबा को ये मन्नत का धागा बांधते हैं, तो बाबा श्याम तक आपकी पुकार ज़रूर पहुंचती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो धागा आप बाबा को बांध रहे हैं, यानी खाटू धाम में कहीं पर भी बांध रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस धागे को आप बाबा श्याम को बांध रहे हैं, यानी बाबा श्याम का तो सिर्फ शीश है, बाबा श्याम का शरीर नहीं है, परंतु वो तो देवता हैं, कोई इंसान तो है नहीं। तो श्याम भक्तों, बिना किसी नकारात्मक भाव के साथ और बाबा श्याम के ऊपर आस्था और विश्वास बनाए रखते हुए आप बाबा श्याम को ये मन्नत का धागा ज़रूर बांध सकते हैं। आपकी मर्जी है, बाकी समझाना मेरा काम था, करना नहीं करना आपकी मर्जी है।
तो श्याम भक्तों, आपको ये पूरी बात अगर समझ में आई और ऐसे ही वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बाबा श्याम से ऐसी ही जुड़ी वीडियोस को आपके समक्ष हम लाते रहें। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।